हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आज मानस रीडिंग के थ्रू आपके ईश्वर, आप जिनको भी अपना मानते हैं, ईश्वर ईष्ट अपना मानते हैं, वो आपको आज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मानस रीडिंग के थ्रू देखेंगे आज आपको, आपके लिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है आज। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्लिप आई है। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अनमिल आखर अरथ न जापु, प्रकट भय महेश प्रतापु। ओके, तो यहाँ पे उन व्यूअर्स के लिए, जो व्यूअर्स यहाँ पे उनके मन में ये कंफ्यूजन है कि वो किस तरीके से नाम जप करें, उनके अगर आपके पास समय की कमी है या आपको मंत्र समझ में नहीं आ रहे हैं या जिस भी तरीके से है ना आप कर नहीं पा रहे हैं, मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप करिए तो सही, आप कम से कम शुरू कीजिए, उल्टा सीधा आप जैसा भी करें। ओके, लेकिन एक बार बस आप अपने ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। ओके, उनसे कह दीजिए कि मुझे इस तरीके से ही, मुझसे नहीं हो रहा है या मुझे मुझसे इस तरीके से ही हो रहा है, आप देख लीजिए आपको किस तरीके से मुझे संभालना है, बस मैं आप मतलब आप कह दीजिए कि आपसे नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है, कोशिश कीजिए कि आप कर पाएँ। ओके, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लीजिए, उसे दो तीन बार याद कीजिए, समझिए और बोल कर देखिए, है ना, होगा ज़रूर याद होगा ऐसा। और अगर ऐसा कोई बहुत बड़ा मंत्र आपको नहीं करना है ना, अगर आपको इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक ऐसा नॉर्मल छोटा सा मंत्र चूज़ कीजिए जो आपको कंफर्टेबल हो, जो आप कर पाएँ। ओके, और आपको यहाँ पे ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप नाम जप किसी भी तरीके से करिए, आपको ये नहीं देखना है कि आप कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं। ओके, आप ये भी मत सोचिए कि ईश्वर क्या सोचेंगे, ईश्वर आपको आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे अगर आप सही से नहीं करेंगे। तो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं आपके इष्ट की, आप ये मत सोचिए कि ईश्वर क्या सोचेंगे, आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए, आपको जिस तरीके से समझ में आता है, आपको जो आता है वो करिए आप। ओके, यहाँ पे क्योंकि आप जब करना शुरू करेंगे ना, तो यहाँ पे आप बहुत पॉजिटिव चेंज देख पाएंगे। यहाँ पे आपको करने के लिए कहा जा रहा है, आपको कंफ्यूज होने के लिए नहीं कहा जा रहा है व्यूअर्स। ओके, नहीं हो रहा है तो आप अब थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, कोशिश कीजिए, ज़रूर होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप कर पाएंगे। ओके, राम नाम मन दीप धरो, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाह से उजियार। देखिए, उसके कनेक्टिंग ही ये चौपाई आ गई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि नाम जप किस तरीके से करें, उन्हें सही से मंत्रों का उच्चारण भी नहीं आता है। तो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आप राम नाम का जो दिया है, ओके, आपको अगर आप राम नाम जपते हैं तो यहाँ पे आपको ईश्वर कहना चाहते हैं कि ऐसा थोड़ी होगा कि आपके किसी एरिया में आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और किसी एरिया में नहीं मिलेंगी, आपके राइट पार्ट, आपके बॉडी के राइट पार्ट को ही ब्लेसिंग मिलेगी, लेफ्ट पार्ट को नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। ब्लेसिंग मिलेगी तो आपको पूरी तरीके से ही मिलेगी, चाहे आप किसी भी तरीके से जपें। ओके, तो यहाँ और जैसे जब हम दिया लगाते हैं घर में, तो यहाँ पे वो ऐसा थोड़ी होता है कि घर के एक कोने में ही लाइट करेगा, प्रकाश करेगा और बाकी के सभी कोने अंधेरे में ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। जिस एरिया में हमने रखा है तो वहाँ का पूरा एरिया जो है वहाँ पे पूरा प्रकाश हो जाता है उस एक दिए से। ओके, तो यही आपको कहा जा रहा है कि आप नाम जप करिए, स्टार्ट करिए, शुरू कीजिए। ओके, उसको ये मत सोचिए कि उसका क्या प्रभाव होगा क्या नहीं होगा, ओके, वो सब आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ करना है। और जब आप नाम जप करते हैं तो यहाँ पे जैसे दिए का प्रकाश पूरे रूम में हो जाता है, पूरे कमरे में हो जाता है, वहाँ के पूरे स्पेस में हो जाता है, वैसा ही लाइट, वैसे ही ऑरा आपका भी हो जाएगा जब आप नाम जप करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपको कहा जा रहा है। और देखिए, मैंने अभी 444 देखा है, तो डेफिनेटली व्यूअर्स आपके लिए मैसेज है कि आपको नाम जप करना है और उसमें ज़्यादा उलझना नहीं है कि कैसे करूँ क्या करूँ। और अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पे राधा कृष्ण लिखा है, तो
आप राधे कृष्णा जी का भी चैंट कर सकते हैं। आप राधे कृष्णा को नाम जप के रूप में आप डेली कर सकते हैं। इस मंत्र को आप इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ओके, ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स, नेक्स्ट क्या मैसेज है आपके लिए। नाम जप करते हैं ना तो आपके ईश्वर ये नहीं देखते हैं कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, आपके सिर्फ भाव देखते हैं। आप दिल से करिए ना, आप मन से करिए, वो ज़रूर उसका प्रभाव होगा। और आप जब करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, हाई वाइब्रेशंस में होंगे। हाई वाइब्रेशन का सिर्फ एक ही तरीका है, नाम जप। ओके व्यूअर्स, तो देखिए नेक्स्ट स्लिप आई है, दोहा आया है फ्रेंड्स ना, सुनी समुझही जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप नाम जप के साथ साथ भजन सुनिए। आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, जिनको भी आप पूजते हैं, उनके भजन सुनिए, है ना। अगर आप राधा कृष्ण जी के नाम जप करते हैं तो उनका भजन सुनिए यहाँ पे। और उसके साथ में आप जिनको भी अपना ईश्वर मानते हैं उनका नाम जप करने के साथ साथ आपको संतों का सत्संग करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, आपको आप संतों की जो वाणियां है ना, संतों की वाणी है, संतों के जो भक्ति की कथाएं हैं, भक्ति की कथाएं सुनिए उनके। आप अगर आप चाहते हैं कि आप भक्ति से कनेक्ट हों, अपने ईश्वर से कनेक्ट हों, आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसमें आगे बढ़े, ओके, तो यहाँ पे आप ना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए। उसके साथ में भक्तों की कथाएं होती है ना वो सुनिए। अगर आप बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं तो बुक्स पढ़िए उनकी, जिनकी भी आप पढ़ना चाहें ना, मीराबाई की, रस खान जी की, जो भी आपको अच्छे लगे है ना, इंट्यूटिवली आपको जो जिनसे आप कनेक्टेड फील हो, ऐसे चीज़ें पढ़िए जो आपको ईश्वर से कनेक्ट करे, ऐसा आपको यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है। ओके, और साथ में ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो ईश्वर की बातें करें, ईश्वर से आपको जोड़े ना कि ईश्वर से आपको दूर करे, ऐसा आपको गाइडेंस यहाँ पे दिया जा रहा है व्यूअर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको नाम जप के साथ साथ सत्संग करना है, ऐसे लोगों की संग में रहना है जो आपको ईश्वर से जोड़ते हैं, आपको अपने आप से जोड़ते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, आपको अपने मार्ग से भटका रहे हैं, यहाँ पे आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स, नेक्स्ट लिख क्या है। वाओ, देखिए कितने पॉजिटिव चौपाई आई है। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखनु सुनि भये सुखारे। तो व्यूअर्स, ये आपके जो भी मनोरथ है, जो भी आपकी देखिए मैसेज, आप आई होप आप समझ रहे होंगे, थोड़ी हिंदी तो आप समझ ही पाते होंगे। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, तो आपकी जो भी इच्छा है, जो इस भी पर्पस से आप इस रीडिंग में आए हैं, जो भी आपकी विश है, जो आपका सवाल है, वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी, डिवाइन टाइम आने पर ज़रूर पूरी होगी। ओके, आप जब नाम जप कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पे देखिए आपके जो भी इच्छा है, जो भी मनोरथ है, वो पूरी हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू मेरे व्यूअर्स को इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। तो व्यूअर्स, आपकी जो भी विश है वो ज़रूर फुलफिल होगी, ये सही समय आने पर उसकी जो भी डिवाइन टाइम होगा वो ज़रूर फुलफिल होगी। ओके, लेकिन आपको उसके लिए डेस्परेट नहीं होना है, यूनिवर्स ने आपको ये साइन दे दिया है कि आपकी विश ज़रूर फुलफिल होगी, तो अब आपको अपना काम करते रहना है। ओके, अपना नाम जप करिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने कर्म करते रहिए, है ना। आपको इसकी डेस्परेट नहीं होना, ईश्वर ने आपको ये साइन दे दिया है कि आपकी विश ज़रूर फुलफिल होगी, लेकिन ये मत सोचिए कि कब होगी, कब तक होगी। टाइम है वो डिवाइन को ही पता है। ओके, लेकिन ये कन्फर्म है कि आपकी विश ज़रूर फुलफिल होगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आया है, सखी सी है मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही, बस ही सुमन छन ही छन देवा, नाचही गावही लावही सेवा। ओके, तो ये एनर्जी जो है वो डिवाइन फेमिनाइन की मुझे पिक हो रही है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी फील हो रही है। अगर जो भी व्यूअर्स यहाँ पे इस वीडियो तक आप आए हैं व्यूअर्स, और आप
ट्विन फ्लेम जर्नी में है, यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर है, डिवाइन जर्नी में है, शिव शक्ति की जर्नी में है। तो यहाँ पे आप अपने ऊपर बहुत काम, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। ओके, बहुत अपने अपने ऊपर जो है ना, आपने देखिए मैंने अभी 10-10 देखा है, तो डेफिनेटली आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को हील किया है, अपने आप को बैलेंस किया है आपने। ओके, और जब आपने इस तरीके से किया है ना, तो आपका ऑरा जो है, आपकी वाइब्रेशंस इतना पॉजिटिव हो रहा है कि आपके आसपास जो लोग हैं ना, जो आपको देख रहे हैं, वो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। या आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी इस तरीके की एनर्जी में आ जाएंगे कि आपके आसपास के लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, इवन आपके फैमिली मेम्बर्स भी सरप्राइज्ड हो जाएंगे आपको इतनी हाई वाइब्रेशंस में देख करके। ओके, जो जिन लोगों ने आपको ऐसी परिस्थिति में देखा है जब आप टूट चुके थे, ओके, जब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे आप, ओके, लेकिन आज आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी में आ चुके हैं या आने वाले हैं कि आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, आपको कोई किसी भी तरीके से है ना मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। ओके, मैनिपुलेट इन द सेंस, अभी तक आप बहुत ही सेंसिटिव सोल से है ना, लोगों की बातों में आ जाते थे, लेकिन अब आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि आपकी आपको कोई किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं कह पाएगा आप। और अगर कोई कुछ कहेगा ना, तो उसका इंटेंशन आपको प्रॉपर समझ में आने लग जाएगा कि वो किस इंटेंशन से कह रहा है। और साथ ही आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है व्यूअर्स। ओके, तो इस वक्त आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, नाम जप ज़रूर कीजिए उसके साथ में, क्योंकि आप और प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन लेने की भी ज़रूरत है। ओके, ये मुझे जस्ट इंट्यूशन आया प्रोटेक्शन का, डिवाइन चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप प्रोटेक्शन हर वक्त लें। ओके ओके, लास्ट मैसेज देखते हैं। सरल कवित कीर्ति विमल, सोई आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराई जिपू, सुनी कर ही बखान। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो 24 नंबर जो है, मुझे यही दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस के साथ में एक नई शुरुआत आने वाली है। ओके, और 24 नंबर ये आपसे किसी तरीके से कनेक्टेड भी हो सकता है, मुझे ऐसे इंट्यूशन आ रहा है। कुछ आपकी लाइफ, आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, या कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए हो सकती है। ओके, और एनर्जी ये है कि आपको कि ईश्वर का जो नाम जप है ना, वो हर कोई नहीं कर सकता है। अगर आपको यहाँ पे ये ब्लेसिंग मिली है, तो आप बहुत ही ईश्वर के बहुत क्लोज्ड सोल हैं, बहुत ही आप डिवाइन के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। ओके, तभी आपको ये ब्लेसिंग मिली है कि आप नाम जप का आप कर पा रहे हैं, आप नाम जप करना चाहते हैं, ये इच्छा भी आपके मन में है। तो व्यूअर्स, आप बहुत पॉजिटिव सोल्स हैं और ईश्वर के आप पर बहुत कृपा है कि आप इस तरीके से नाम जप करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। और जो व्यूअर्स कर रहे हैं ना नाम जप, उनको यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, क्योंकि आप नाम जप जब करते हैं ना, तो ऐसी मटेरियल वर्ल्ड की तो चीज़ें फुलफिल होती ही हैं आपकी विशेष, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो करते हैं, और स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी लाइफ के हर एरिया में आपकी ग्रोथ होगी, पॉजिटिविटी होगी, आपकी ऑरा तो बहुत पॉजिटिव हो ही रही है, और आने वाले समय में बहुत पॉजिटिव आप सबको अब एक एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे। और जब आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं ना, तो आप इनडायरेक्टली अपना एक सोल पर्पस करते हैं मदर अर्थ को हील करने का, क्योंकि मदर अर्थ की वाइब्रेशंस भी पॉजिटिव होती हैं। ओके व्यूअर्स, तो आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, अपने ऊपर डाउट मत कीजिए और ज़्यादा सोचिए मत, ओवर थिंकिंग मत कीजिए किसी भी चीज़ को लेकर के। ओके, सरेंडर करते हुए चलते जाइए, बस समर्पण करते हुए चलते जाइए। अगर आप जर्नी में हैं, डिवाइन जर्नी में हैं, तो और नहीं भी हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ पर है ना, तो उस पर आप फल की इच्छा मत कीजिए, अपना कर्म करते रहिए करते रहिए करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा ना कि आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, वो कब होगा वो कोई नहीं बता सकता है, वो डिवाइन टाइम आने पर ही होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ओके, अपना कर्म करते रहिए आप। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आज की मानस रीडिंग के थ्रू आपके लिए ईश्वर की गाइडेंस। आई होप आपको अच्छी लगी हो, गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिए। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, मैंने अभी 444 देखा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए, थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान रखिए, जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, जय माँ काली।